अस्सलामु अलैकुम क्लास ए, आपकी साइंस की बुक में चैप्टर नंबर 1 द नर्वस सिस्टम। आज हम द नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द बॉडीज़ फंक्शन। नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी में तमाम होने वाले फंक्शंस को कंट्रोल करता है और उसमें कोऑर्डिनेट करता है। द नर्वस सिस्टम collects information about changes inside or outside of the body. आपकी body में होने वाले तमाम changes को control करता है, decides how the body should respond and controls the response. और ये decide करता है कि उसके खिलाफ क्या response show करना है. Information is collect by receptor. आपकी body में तमाम information collect होती है receptors के through. ठीक है, इसी के साथ साथ ह्यूमन बॉडी दो तरह के एक्शन शो करती है। फर्स्ट दिया हुआ है वॉलंटेरी एक्शंस और इनवॉलंटेरी एक्शंस। वॉलंटेरी एक्शंस वो तमाम एक्शंस होते हैं जो ब्रेन के इख्तियार में होते हैं। पहले आप डेफिनेशन देख लें। अ वॉलंटेरी एक्शन इज़ वन विच इज़ कंट्रोल्ड बाय अ कॉन्शियस एक्शन ऑफ द ब्रेन सच एज किकिंग अ बॉल, यानी बॉल को किक करना, हिट करना। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वॉलंटेरी एक्शन की, फॉर एग्जांपल स्पीकिंग, ईटिंग, रीडिंग अ बुक। ये तमाम चीज़ें आपके ब्रेन के इख्तियार में होती हैं, यानी ह्यूमन ब्रेन के इख्तियार में होती हैं। इनको वॉलंटेरी एक्शंस कहा जाता है। इन वॉलंटेरी एक्शंस इन वन इज़ वन विच इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय कॉन्शियस एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन सच एज योर हार्ट बीट। इनवॉलंटेरी एक्शंस वो तमाम एक्शंस हैं जो ह्यूमन ब्रेन के अख्तियार में नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल योर हार्ट बीट, जिस तरह आपकी हार्ट बीट है वो ह्यूमन ब्रेन के अख्तियार में नहीं है। और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जैसे कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन ऑफ द पीपल्स ऑफ द आइज एंड डाइजेस्टिंग फूड। ये तमाम चीज़ें ह्यूमन ब्रेन के अख्तियार में नहीं होती। ये नर्वस सिस्टम का आपका इंट्रोडक्शन था। अब हम ये देख लेते हैं आपने कॉपी किस तरह मेंटेन करनी है। सबसे पहले आपने फर्स्ट पेज पे नेम, फादर नेम, क्लास और सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद इंडेक्स आपने बनाना है। सेम इसी तरह कॉलम्स आप भी अपने रजिस्टर में बनाएंगे। आगे दो पेज भी आपने इंडेक्स के बनाने हैं। उसके बाद आप ये पेज सिलेबस के लिए रखेंगे। फिर चैप्टर नंबर 1 का टाइटल पेज बनाएंगे और उसमें कंटेंट लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे टर्मिनोलॉजीज़, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, रीजनिंग, डायग्राम, एमसीक्यूज, एक्टिविटी, फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप यहाँ से अपना काम शुरू करेंगे। यहाँ पे आपने क्या काम करना है वो देख लें। टाइटल बनाने के बाद इस पेज पे टाइटल पेज बनाने के बाद कंटेंट लिखने के बाद आपने इस पेज पे टर्मिनोलॉजीज़ करनी है। सेम इस तरह करनी है जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ। आपने इस तरह हेडिंग डालनी है टर्मिनोलॉजीज़ की। जो मेन हेडिंग है यानी जो आप डिफ़ाइन कर रहे हैं, जैसे नंबर 1 ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, आप ये ब्लैक पेन से लिखेंगे। और जब इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं, इट्स मीन द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम विच वी कैन नॉट कंट्रोल, या ब्लू पेन से लिखेंगे। इसी तरह ये सब नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 जो उनकी मेन हेडिंग है यानी जो आपने डिफ़ाइन करना है वो ब्लैक पेन से लिखेंगे। और जब उसे डिफ़ाइन करेंगे, ये वाली आप जो पूरी प्रॉपर डेफिनेशन डिफ़ाइन कर रहे हैं ये आप सब की ब्लू पेन से लिखेंगे। थैंक यू सो मच।